यूपीएससी नेट का जो एग्जाम है वो 60% में क्लियर होते हैं कि ट्रेडिशनली हर बार ये चीज देखी गई। मिश्रा सर ने कहा कि भाई चेक करो क्या इस बार भी नेट का एग्जाम 60% में क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। मतलब या तो 60% में कम क्लियर हो सकता है या तो उससे ज्यादा क्लियर हो सकता था। इसका मतलब दो डायरेक्शन में जाने की पॉसिबिलिटी है। तो ये बन गया हमारा टू टेल टेस्ट। केस टू में देखिए वही बात, नेट हर बार जाता है 60% में क्लियर होता है। मिश्रा सर ने कहा कि चेक करो क्या इस बार पेपर बहुत टफ था, तो चेक करिए कि जो एग्जाम है नेट का एग्जाम है वो 60% से कम पे क्लियर हुआ है क्या, 60% से कम पे क्लियर हुआ है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास में 60% से ज्यादा भी जाने का ऑप्शन नहीं था, हमें कहा चेकिंग करनी है 60% से कम पे चेकिंग करनी है। तो हमारे पास में ये बन गया वन टेल टेस्ट जिसमें हमारी डायरेक्शन है लेफ्ट। तो हम कहते हैं लेफ्ट टेल टेस्ट है या कहते हैं वन टेल टेस्ट है ये। केस थ्री हमारा बना नेट इज इक्वल टू 60% की नेट का एग्जाम हर बार 60% पे क्लियर होता है। ऑल्टरनेटिव हमने रखा कि भाई इस बार पेपर बहुत ही इजी था तो हमें चेक करना है कि क्या नेट का एग्जाम 60% से ज्यादा भी क्लियर हुआ है क्या, क्योंकि जब पेपर इजी है तो 90% बढ़ाएंगे। तो अब चेक करना है कि क्या 60% से ज्यादा भी क्लियर हुआ है। तो इसका मतलब हमें लेफ्ट पे कम से 60% से कम पे जाने की परमिशन नहीं है, हमें इससे ज्यादा पे चेकिंग करनी है। तो यहाँ पे बना राइट टेल टेस्ट जो कि हमारा वन डायरेक्शन है उसकी वन टेल। चले आगे नेक्स्ट राहुल गया फटाफट जाके बेचारा मार्कर लेके आया। मैंने कहा नहीं राहुल ये गलत मार्कर लेके आ गया, मार्कर एकदम ठीक था बट मैंने सिर्फ उसको देख के बोला राहुल ये खराब मार्कर लेके आया, जाके दूसरा मार्कर लेके आ। तो अब क्या ये एरर हुआ? बिल्कुल भाई एरर तो हुआ ना। दिस एरर इज कॉल्ड टाइप वन एरर। मतलब जहां पे जो चीज सही भी है, जो बात हमारी सही भी है, तब भी हम उसे रिजेक्ट करते हैं। तो दिस एरर इज कॉल्ड टाइप वन एरर इन व्हिच वी रिजेक्ट द ट्रू नल हाइपोथेसिस। दैट इज जो नल हाइपोथेसिस, जो बात हमारी सही है बट तब भी मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया है, दिस इज कॉल्ड टाइप वन एरर। बात समझ में आ रही है? एरर को अल्फा कहा जाता है। अल्फा रिप्रेजेंट करता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को। लिख लो ये मेरी चीज। टाइप वन एरर इज दैट एरर इन विच we reject true null hypothesis. Type 1 error is that error in which we reject true null hypothesis. Full stop. Type 1 error is also called alpha. Type 1 error is also called alpha. Upar sign bana hua hai alpha ka. Type 1 error is also called alpha. Is level of significance. अब आंसर करो, समझ में आ गई बात? अब आंसर करो कि किसके लिए खतरे की बात है? प्रोड्यूसर के लिए खतरा है, ये प्रोड्यूसर के लिए रिस्क है या कंज्यूमर के लिए रिस्क है? सोच लो अच्छे से। कितने कहते हैं प्रोड्यूसर के लिए रिस्क है? अभी तो बड़ी बात आ रही है। कितने कहते हैं कंज्यूमर के लिए रिस्क है? वेरी गुड, बिल्कुल गलत। वैसे क्यों? हाँ बोलो क्यों? देखो आप शॉप, इसका एक और एग्जांपल, आप शॉप पर गए, शॉप पे जाके आपने कहा कि भाई मेरे को बढ़िया रेनॉल्ड्स का पेन दिखा, मेरे को रेनॉल्ड्स का पेन दिखा। बेचारे शॉपकीपर ने शराफत से आपको 3-4-5 रेनॉल्ड के पेन दिखा दिए। आपने क्या किया, उसके रेनॉल्ड के पेन एकदम ठीक थे। आप क्या करते हो शॉप पे जाके? चलाया भैया नहीं ये वाला नहीं, चलाया ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, अच्छा ये वाला दे दो। अब ऐसे में क्या हुआ, आपने जो चीजें उसकी सही थी, सही होने के बावजूद भी आपने रिजेक्ट करी है ना, तो कौन सा एरर बना? टाइप वन एरर बना। पर एक बात सोचो, क्या ये आपकी जेब से कोई पैसा गया है इसको रिजेक्ट करने में? नहीं। किसका माल रिजेक्ट हुआ है?
called producer's risk. Producer ke liye khatra. It is also called producer's risk. Next, type 2 error. सुनो, अब पहले जब राहुल यहाँ पे खड़ा था तो मैंने राहुल को बोला राहुल जाके मार्कर ले आओ, तो राहुल जाके मार्कर लेके आया, मार्कर एकदम ठीक था, तभी मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया, तो राहुल को बहुत गुस्सा आया, भाई मैं सही लाया तभी मैं हमने रिजेक्ट कर दिया, ऐसे तो होता नहीं है। फिर राहुल गया गुस्से में जाके अब सबसे घटिया वाला खराब वाला मार्कर लेके आया, कहते मान के लो, मैंने कहा शाबाश राहुल। अब यहाँ पे क्या हुआ, दिस एरर इज कॉल्ड टाइप 2 एरर, मतलब जो बात मेरी गलत थी, जो फॉल्स नल हाइपोथेसिस था, तब भी मैंने उसे एक्सेप्ट कर लिया, सो दिस इज कॉल्ड टाइप 2 एरर। अब ये टाइप 2 एरर किसके लिए खतरा बन गया, क्योंकि पैसे वेस्ट हो गए। बात समझ में आती, लिखो type 2 error occurs when we accept a false null hypothesis. Type 2 error occurs when we accept a false null hypothesis. Full stop. Type 2 error is also called beta नहीं है, beta का sign है। Type 2 error is also called beta, full stop, it is also called consumer's risk, consumer's risk। एक लाइन छोड़ के पॉइंट मार्क करके लिख लीजिए, 1 minus beta is called power of test, test की शक्ति। बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से, 1 minus beta is called power of test, test की शक्ति, power of test। अब हमारी इसमें दो चीजें बची हैं, एक है जो हमने पढ़ लिया भाई टाइप 1 एरर, अभी आप जितनी भी टेस्टिंग करोगे वो टाइप 1 एरर के हिसाब से ही करोगे, दैट इज अल्फा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस का इस्तेमाल करके करोगे। भाई हमने ये तो पढ़ लिया कि टाइप 1 एरर को अल्फा कहा जाता है, लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस कहा जाता है। आप सबने पढ़ा होगा एग्जाम में, आप क्वेश्चन जब पढ़ते थे तो ये कहते थे भाई पॉपुलेशन में 100 लोग हैं, सैंपल 20 सिलेक्ट किया, उनका सैंपल भी इतना है, पॉपुलेशन सैंपलेशन इतना है, पॉपुलेशन का भी इतना है, आपसे कहते हैं लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस 5% है, इस तरह से पढ़ा हुआ है। अब वो जो 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है भाई रियल लाइफ में समझने के लिए उसका मतलब क्या है, ये तो समझ में आ गया टाइप 1 एरर क्या है, टाइप 2 एरर क्या है, बट लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस इन रियलिटी होता क्या है, और जो हम पढ़ते हैं स्टैंडर्ड एरर ऑफ द मीन उसका रियल लाइफ में मतलब क्या होता है, क्या उसकी इंपॉर्टेंस होती है, जो कि पूरा इस्तेमाल होगा आपका टेस्टिंग में, जेड टेस्ट में, टी टेस्ट में, टाइप स्क्वायर में और एफ टेस्ट में, बट वो बताऊंगी अगली क्लास में, दैट इज टुमारो। फिलहाल यहां तक देखो कहीं कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, कोई पॉइंट अच्छा है, 1 minus alpha जैसे कोई टर्म है, कॉन्फिडेंस इंटरवल क्या होता है बताऊंगी, लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कहना चाह रहा हूं उसे बताऊंगी, 100% माइनस आता है क्योंकि अल्फा को परसेंटेज में रखा जाता है, 1 minus alpha ही बनेगा, अगर आप 1 minus alpha करोगे तो इसका मतलब अल्फा को आपने 0.05 से कम कर, तो आप इसको कह दोगे कि 100% माइनस आता है, या आप 1 minus alpha भी कुछ जगह पे लिख सकते हैं इसको, बट उसको भी मॉडल कर सकते हैं, मतलब थ्योरेटिकली देयर इज नो प्रॉब्लम। इसी तरीके से जैसे कि मैंने बताया 5% आपका टाइप 1 एरर है, तो इस तरह से आपका कॉन्फिडेंस क्या होगा, 90% हो गया, बट ये बताऊंगी इसका मतलब क्या है, कि 1 में से माइनस करोगे 100% माइनस करोगे।